इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे Redmi Y2 के अंदर अगर हमें ब्लूटूथ रिलेटेड इशू आते हैं तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा अपने फ़ोन की, और अबाउट फ़ोन में जाना होगा, और यहाँ से अपने फ़ोन को सिस्टम अपडेट पर जाना होगा, और यहाँ पर अपने फ़ोन को यहाँ से आपको अपडेट कर लेना होगा। जैसे ही आप अपडेट करेंगे यहाँ पर आपके अपडेट रिलेटेड जितने भी इशू होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से बैक लाना है, बैक लाने के बाद और बैक लाना है, और आपकी अब भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो नीचे जाइए, और नीचे यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग्स मिलता है तो एडिशनल सेटिंग्स को खोलिए, और यहाँ पर अपने बैकअप एंड रीसेट पर चले जाइए, और यहाँ से अपने फ़ोन को रीसेट मार लीजिए यानी फॉर्मेट मार लीजिए, और अपने बैकअप को ज़रूर ले लीजिएगा जिससे कि आपका डेटा डिलीट ना हो। उसके बाद यहाँ से अगर आपकी प्रॉब्लम अब भी ठीक नहीं होती है तो फिर तीसरा जो सलूशन है वो ये है कि आप किसी सर्विस सेंटर में जाकर अपने फ़ोन को फ्लैश लगवा लीजिए, इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और तीन ही प्रॉब्लम होती हैं, इससे अदर जो है प्रॉब्लम नहीं होती, वो यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर रिलेटेड फिर आ जाती है जो है यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, लेकिन हार्डवेयर रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो यही सलूशन है इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जितना भी प्रोसेस हुआ हमारे Redmi Note 5 Pro में, आप Redmi के किसी भी फ़ोन में प्रोसेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।